Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So in this video, we are going to study about the Ullmann coupling reaction. This video will be comprising of the definition of Ullmann coupling reactions, the general reaction, its mechanism, and also the synthetic application of Ullmann coupling reaction. So now let's begin. The reaction between aryl halides and copper. Ullmann coupling reaction basically is the reaction between aryl halides and the copper. It is the synthesis of symmetric biaryls via copper catalyzed coupling. और हमें जो product obtain होगा वो क्या होगा? Symmetric biaryls. Symmetric biaryls क्या होते हैं? यानी कि दो ऐसे biaryls जब attach होते हैं कि अगर हम उन्हें बीच में से divide करें तो वो एक symmetric structures दें. So they such biaryls will be termed as symmetric biaryls. Okay? तो यही हमारी general reaction हो गई. Aryl halide ये है हमारे पास. इट इज़ aryl एंड अ हेलाइड. कोई भी अगर हेलाइड ग्रुप, हेलोजन ग्रुप, किसी भी बेंजीन रिंग या फिर aryl ग्रुप से अटैच्ड होगा. aryl ग्रुप मतलब मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई और भी सब्सटीट्यूशन हो सकता है. ठीक है, अगर हम उसकी रिएक्शन कॉपर से करेंगे तो हमें मिला सिमेट्रिक biaryl. ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक एग्जाम्पल है, ये हमारे पास आयोडो बेंजीन है और हमने उसे कॉपर के साथ रिएक्ट करा तो हमें मिला बायफिनाइल. अब हमें बायफिनाइल क्या हो गया? सिमेट्रिक बायराइल हो गया. और साथ में हमारे पास क्या हुआ? हमारा जो कॉपर आयोडाइड था वो हमारा रिमूव हो गया. अब अनदर एग्जांपल वी हैव कपलिंग ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्थोक्लोरीन ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन रिएक्टेंट्स टू फॉर्म 2,2- डाइनाइट्रो बायफिनाइल विथ कॉपर ब्रॉन्ज एलॉय. क्या है ये एग्जाम्पल? जो हमारे पास ये क्या है? ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन. ऑर्थो पोजिशन पर क्लोरो अटैच है और ये होगा हमारे नाइट्रोबेंजीन. ठीक है, अब हमने इसको रिएक्ट करा इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर तो हमें क्या मिला? 2,2- डाई नाइट्रो बायफिनाइल. ये भी हमारा एक सिमेट्रिक बायराइल है. सो ये हो गई हमारी Ullmann कपलिंग रिएक्शन. सो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द मैकेनिज्म बिहाइंड द Ullmann कपलिंग रिएक्शन. तो ये बहुत एक इजी रिएक्शन है और ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाएगी. इसमें क्या होगा? सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ एन एक्टिव कॉपर 1 स्पीशीज़ फ्रॉम इंट्रोडक्शन ऑफ aryl halide टू एन एक्सेस ऑफ मेटेलिक कॉपर अंडर रिलेटिवली हाई टेम्परेचर. सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम एक एक्टिव कॉपर 1 स्पीशीज़ की हमारे पास फॉर्मेशन होगी ताकि फर्दर रिएक्शन हम कर पाएँ. तो हम क्या करेंगे? जो हमारा आयोडो बेंजीन है उसको हम कॉपर के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? इंटरमीडिएट बनेगा ऑक्सीडेटिव एडिशन के बाद. कॉपर आयोडाइड, ये कॉपर यहाँ पे आ जाएगा. और फिर उसके बाद क्या होगा? जो हमारी आफ्टर द रिमूवल ये आयोडीन जब हमारी रिमूव हो जाएगी तो हमें मिल जाएगा कॉपर का एक्टिव स्पीशीज़. ठीक है, अब जो हमारी ये कॉपर की एक्टिव स्पीशीज़ है ये फिर से ऑक्सीडेटिव एडिशन करेगी दूसरे हेलोएरिन के मॉलिक्यूल के साथ. अब हमारा ये जो दूसरा हेलोएरिन के मॉलिक्यूल है ये इस वाले जो हमें कॉपर स्पीशीज़ मिली है उसके साथ फर्दर ऑक्सीडेटिव एडिशन करेगा, यानी कि फिर से ऑक्सीडेटिव एडिशन करेगा. तो क्या होगा? हमारे ये दोनों आपस में आन के मिल जाएंगे और हमें कॉपर मिल जाएगा और हमारा जो आयोडीन मॉलिक्यूल है ये फिर से रिमूव हो जाएगा. ठीक है, अब फाइनल स्टेप में क्या होगा? कॉपर कंपाउंड फॉर्म बाय द 2 aryl halide मॉलिक्यूल्स अंडरगो रिडक्टिव एलिमिनेशन. अब जो हमें फॉर्म मॉलिक्यूल मिला है उसमें रिडक्टिव एलिमिनेशन होगी जिससे क्या होगा? एक न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड जनरेट हो जाएगा बिटवीन 2 aryl कंपाउंड्स, जिससे क्या होगा? हमारा जो रिडक्टिव एलिमिनेशन की वजह से एक न्यू बॉन्ड डिस्कवर हो जाएगा बिटवीन दीज 2 बेंजीन रिंग्स और aryl मॉलिक्यूल्स. ठीक है, अब हम क्या देखते हैं इसमें क्या हुआ? हमारा कॉपर जो है वो रिड्यूस हो गया विद द जो हमारी आयोडीन प्रेजेंट थी उसके साथ उसने कॉपर आयोडाइड बना लिया और हमारे रिडक्टिव एलिमिनेशन की वजह से जो हो रहा है मतलब डिडक्टिव एलिमिनेशन की वजह से कॉपर आयोडाइड रिमूव हुआ और ऑल्सो क्या हुआ? इन दोनों बेंजीन रिंग के बीच में एक और बॉन्ड आ गए तो हमें मिल गया बायफिनाइल. तो ये हो गए हमारी मैकेनिज्म ऑफ Ullmann कपलिंग रिएक्शन जो कि बहुत बहुत ईजी है और इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ 3 स्टेप्स हैं, हमें इसको लर्न करनी है. फर्स्ट स्टेप क्या है? हमें आयोडो बेंजीन का ऑक्सीडेटिव एडिशन करना है, फिर हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा कॉपर की स्पीशी मिलेगी फिर से उसका ऑक्सीडेटिव एडिशन करना है और फिर हमें रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा जिसकी वजह से हमारी जो दोनों बेंजीन रिंग होंगी उनके बीच में एक बॉन्ड जनरेट हो जाएगा. ठीक है, तो ये है हमारी मैकेनिज्म, इट इज़ वेरी इजी. अब आप लोग 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमें खुद हमारे मतलब माइंड में फिट हो जाएगी. नाउ लेट्स सी व्हाट आर दी एप्लीकेशंस ऑफ दी Ullmann कपलिंग रिएक्शन. सो बायफिनाइल्स
बायफिनाइलोन्स कैन बी ऑप्टेंड फ्रॉम 2,2-डाइआयोडो बायफिनाइल, मतलब हम ये जो बेसिकली पढ़ रहे हैं ये हमारे सिंथेटिक रिएक्शन सिंथेटिक एप्लीकेशंस हैं, तो इसमें हम मेनली यही देखेंगे इस भी रिएक्शन में भी और हमारी जो फर्दर रिएक्शंस होंगी इसकी मैं पूरी सीरीज़ बनाऊंगी जिसमें मैं सारी नेम रिएक्शंस की मैकेनिज्म बताऊंगी और उसके प्रॉपर नोट्स भी दूंगी। तो उसमें हम बेसिकली सिंथेटिक रिएक्शंस देखेंगे क्योंकि जो हमारी हायर एजुकेशन MSc है MPharm है इन सब में हमें यही पूछे जाते हैं इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशंस। ओके, तो फिर क्या हुआ, दिस रिएक्शंस कैन ऑल्सो बी एम्प्लॉयड फॉर द क्लोजर ऑफ 5-membered रिंग। अब एन एनसीमेट्रिकल रिएक्शन कैन ऑल्सो बी अचीव गिवन दैट वन ऑफ द रिएक्टेंट इज प्रोवाइडेड इन एक्सेस, देन कायरल रिएजेंट्स कैन बी कपल्ड इन टू अ कायरल प्रोडक्ट। तो ये हो गए हमारी सिंथेटिक एप्लीकेशंस ऑफ अलमन कपलिंग रिएक्शन। तो आपने देखा कि अलमन कपलिंग रिएक्शन कितनी ज़्यादा कोई ऐसी उसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। मुझे पता है कि जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस पढ़ते हैं वो अगर हम इंडिविजुअली देखें तो वो बहुत ईजी होती हैं, पर हाँ ये है कि अगर हम सो मैनी रिएक्शंस वी स्टडी एक साथ तो सब कुछ मिक्स हो जाता है। सो अगर हम इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे कि हाँ हमें ये फॉर द सेक ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ना है, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज पढ़ना है, तो हमें खुद उसमें इंटरेस्ट आएगा और उससे क्या होगा, हमें खुद ही बेनिफिट फील होगा और हमें खुद ही ये रियलाइज़ होगा कि हाँ हमारे माइंड में सब कुछ रह रहा है, सारी रिएक्शंस रह रही हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।